तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ फैनको डीसीएस टीटन बार्सिलोना लीग का दूसरा मैच, जो कि खेला जाएगा पंजाब वॉरियर्स वर्सेस ग्रेसिया के बीच में। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही भाई आपको बता दूँ, जो आज के दिन के जो दिन वाले टीटन मैच थे उनमें से भाई तीन मैच कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा अभी चल रहा है, और तीनों मैच के आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। ये भाई पहले मैच के रिजल्ट है, ऊपर चलते हैं आपको दूसरे मैच के रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है। और ये भाई दूसरे मैच के रिजल्ट है, ठीक है। और अगर भाई अब और ऊपर चले तो मैं आपको तीसरे, ये भाई तीसरे मैच के रिजल्ट है, ठीक है। तो सारे मैच हमने बिल्कुल सुपर डुपर अल्ट्रा क्लीन स्वीप विन किए हैं। तो अगर भाई लगातार विनिंग करनी है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई वीडियो देखने आ गए तो वीडियो को एक तो लाइक कर दो, तो क्योंकि यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और मोटिवेट, मतलब अगर आप मेरे को मोटिवेट रखना चाहते हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए अब बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो भाई यहां पर आप लोगों में से मतलब सिर्फ 13% लोग ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और आप लगातार विनिंग करते रहोगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं मैच के स्टैट्स की तरफ। तो डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो 2 नवंबर को यह मैच खेला जाएगा और 12 बजे मैच खेला जाएगा। वैसे तो भाई आज रात को ही 12 बजे, लेकिन भाई 2 नवंबर इसलिए क्योंकि AM पर नेक्स्ट डेट लग जाएगी, ठीक है। अगर बात करें वेन्यू की तो आप देख सकते हो विद्रस क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले मैच में बताया था, इस मैच की मतलब पिच रिपोर्ट मेरे को, मतलब जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट होती है ना, वो मेरे को मिली नहीं। तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से बैलेंस्ड विकेट होगी, क्योंकि T10 मैचेस में ऑलमोस्ट विकेट होती है ना जो बैलेंस्ड होती है, और थोड़ी सी हेल्प वहाँ पर मतलब हल्की सी एक्स्ट्रा हेल्प बैट्समैन के लिए देखी जाती है। मतलब जितने भी T10 टूर्नामेंट मैंने कवर किया अब तक, मैंने आपके लिए मतलब कम से कम 30 टूर्नामेंट में अलग अलग कवर कर चुका हूँ जो सिर्फ T10 के हैं। तो 30 में से आप ये मान लो 27-28 में सेम पिच मिली है, तो इसीलिए मैं आपको मतलब उस अंदाज से आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी जो भी पिच होगी वो इस मैच के बाद हमें पता लग जाएगी, तो पिच मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो और टेलीग्राम चैनल भाई आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी जो मैंने आपको विनिंग दिखाई ना वो भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है टेलीग्राम चैनल पर वो मैं आपको बताता हूँ। जो भाई आपको जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलता है T10 मैचेज में, जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप देखो, ये जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर होता है किसी भी T10 मैच का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो पहले मैच में हमारी विनिंग हुई थी ना यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ भाई हमारे बैटिंग ऑर्डर की वजह से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर मैं देखो, मैंने आपको बैटिंग ऑर्डर जैसे ही डिक्लेयर हुआ मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ये भाई दूसरे मैच की है, मैं पहले मैच की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भाई जैसे ही बैटिंग ऑर्डर डिक्लेयर हुआ, मतलब यहां पर जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर डिक्लेयर हुआ, मैंने तुरंत बोल दिया था आर सिंह मैनसन एज ओपनर, ठीक है। तो यहां पर भाई ये ओपनिंग में आना था, इसीलिए भाई हमने इसको पिक किया और भाई लगातार मतलब हमने 3 के 3 मैच जैकपॉट विन किए। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है और इनसे ही आपकी विनिंग कंफर्म होती है। तो प्लीज भाई सभी से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक बाई चांस वर्क ना करे तो @KPM Fantasy Expert लिखकर आप सर्च कर सकते हो। बात करें अब यहां पर भाई दोनों टीम्स के स्टेट्स की, तो मैं आपको बता देता हूं जो पंजाब वॉरियर्स की टीम है उसके स्टेट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। यहां पर अब बात करें हरदीप सिंह जूनियर की, तो 10 मैच में 50 रन प्लस भाई 8 विकेट निकाले हैं। तेजपाल सिंह की बात करें तो 10 मैच में 172 रन प्लस 8 विकेट निकाले हैं। गुरप्रीत सिंह ने 4 मैच में 28 रन बनाए हैं। अमनदीप सिंह की बात करें तो 3 मैच में 22 रन बनाए प्लस भाई 1 विकेट इसने भी निकाला हुआ है। इसके अलावा भाई बात करें पलविंदर सिंह की, तो इसने क्या भाई मेरे को स्टेट्स कुछ मिले नहीं। और इसके अलावा भाई दो प्लेयर ऐसे हैं, तरनदीप सिंह पन्नू और पलविंदर सिंह कौर, इन दोनों के भाई मेरे को स्टेट्स मिले नहीं। तो अगर भाई इनके स्टेट्स मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं मैच से पहले, तो मैं आपको 101% आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बात करें मोहसिन अली की, तो 5 मैच में 8 विकेट निकाल रखे बंदे ने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो सकता है, इसको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर ले लेना। इसके अलावा अगर बात करें गगनदीप सिंह की, तो गगनदीप सिंह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 5 मैच में 3 विकेट। यहाँ पर भाई इनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ आप मतलब नोटिस करना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के साथ पंजाब वॉरियर्स उतर रही है। बलविंदर सिंह ने 5 मैच में 7 विकेट निकाले हुए हैं। इसके अलावा बात करें चरणजीत सिंह की, तो 3 मैच में 1 विकेट इसने भी निकाल रखा है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर ग्रेसिया के जो प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स के बारे में, तो यहाँ पर भाई इनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ प्लेयर यहाँ पर ऐसे जिनके पास 20+ मैचेज का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर कुलदीप लाल की सबसे पहले
बात करते हैं, सबसे अच्छा ऑलराउंडर दोनों टीम्स में देखा जाए तो मेरे को कुलदीप लाल ही लगा, प्लस एक्सपीरियंस के साथ। आप देखो 34 मैच में ऑलमोस्ट 1000 रन के करीब पहुंच चुका है, ठीक है, और साथ ही 25 विकेट भी निकाले, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। हीरा महे की बात करें तो हीरा महे ने 7 मैच में 87 रन बनाए, प्लस 5 विकेट निकाले हुए हैं। बात करें मुख्तियार सिंह की तो 11 मैच में 112 रन है, प्लस 9 विकेट निकाले हुए हैं। इसके अलावा बात करें शुभदीप सिंह देव की तो आप देख सकते हो यहाँ पर 25 मैच का एक्सपीरियंस है, प्लस 400 रन यहाँ पर ये बना चुके हैं। इसके अलावा कुलवंत सिंह ने 16 मैच में 103 रन बनाए, प्लस 4 विकेट यहाँ से बंदे ने निकाल रखे हैं। विक्रमजीत सिंह की बात करें तो 14 मैच में 113 रन, प्लस 3 विकेट इसने निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर भाई मैं आपको एक एक प्लेयर के स्टैट्स बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर मैं आपको मार्क भी करके बताऊंगा कि कौन से प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, यहाँ पर एंड में आपको एक डेमो टीम देने वाला हूँ जो आप जिसके साथ मतलब आप 2 मेंबर 3 मेंबर अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, तो वो टीम भी आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि मतलब वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह विनिंग करनी है। साथ ही आपको बता दूं स्मॉल लीग के आपको मतलब सॉरी ग्रैंड लीग के आपको 4 टीम ऑलमोस्ट 4 या फिर 5 टीम मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा आफ्टर टॉस, तो ग्रैंड लीग की भी टीम आपको मिल जाएगी, साथ ही स्मॉल लीग की टीम तो आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर बात करें मनीष मनवानी की तो आप देख सकते हो 22 मैच में 211 रन, प्लस भाई 22 ही विकेट निकाल रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और यहाँ से अगर बात करें राजविंदर सिंह की तो 5 मैच में 10 रन, इतने कुछ खास रिकॉर्ड इसके लगे नहीं। त्रिलोचन सिंह की बात करें तो आप देख सकते हो 22 मैच में 28 विकेट, विजय कुमार 8 मैच में 8 विकेट, हरकमल सिंह भाई 13 मैच में 11 विकेट। अब यहाँ से बात करें इंपॉर्टेंट प्लेयर की तो कुलदीप लाल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। हीरा भाई की बात करें तो 7 मैच में 87 रन, 5 विकेट, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। मुख्तियार सिंह इसको आप स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, हीरा मैये को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, चाहो तो स्मॉल लीग में भी कर लेना। शुभदेव सिंह भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह ट्राई करना। कुलवंत सिंह काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। विक्रमजीत सिंह की बात करें तो ठीक ठाक प्लेयर है, आप चाहो तो आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे बात करें मनीष मनवानी की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई जरूर कर लेना। राजवीर सिंह की बात करें तो आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो। त्रिलोचन सिंह 22 मैच में 28 विकेट, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। विजय कुमार भी इंपॉर्टेंट है, हरकमल सिंह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आप एक बार ऊपर चल के बात करते हैं यहाँ से पंजाब वॉरियर्स की टीम की। तो यहाँ से भाई सबसे पहले हरदीप सिंह जूनियर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसके जो बैटिंग के स्टैट्स है वो मेरे पास कंफर्म नहीं है, तो इनके जो बैटिंग के स्टैट्स अगर मेरे पास आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, बेफिक्र रहो। तेजपाल सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, 10 मैच में 10 विकेट, प्लस ऑलमोस्ट 200 रन के पास पहुँच रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें अमनदीप सिंह, ये ठीक ठाक प्लेयर है। गुरप्रीत सिंह को आप चाहो तो ट्राई कर लेना। मोहसिन अली ठीक ठाक प्लेयर है, ठीक है। इसके अलावा भाई पलविंदर कौल और यहाँ से तरनदीप सिंह, इनके रिकॉर्ड मेरे को मिले नहीं। इसके भाई यहाँ से बात करें बलविंदर सिंह, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कुछ प्लेयर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ज्यादा प्लेयर आपको ग्रेसिया की टीम से ट्राई करने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भाई यहाँ पर सबसे पहले ड्रीम इलेवन की डेमो टीम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भाई मैं आपको ड्रीम इलेवन की डेमो टीम देने वाला हूँ, तो उसके लिए भाई आप मतलब अभी आप वेट करो, और सिर्फ मतलब अभी मैं आपको डेमो टीम ही नहीं दूंगा, साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन दूंगा जिन्हें आप ग्रैंड लीग में फिर से ट्राई कर सकते हो। 4 टीम के अलावा मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूँ जिनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं स्मॉल की टीम की। तो यहाँ पर भाई मैंने ऑलरेडी आपके लिए टीम बना रखी है, तो एक बार मैं आपको टीम का प्रीव्यू दे देता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन भाई कुलदीप लाल काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन भी होने वाला है ये हमारी टीम का, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन से मैंने 3 बैट्समैन लिए, संदीप डेब और यहाँ से बी सिंह और जी सिंह, ये तीनों भाई मैंने पिक कर रखे हैं। इसके अलावा भाई बात करें तो 4 ऑलराउंडर लिए, एम सिंह, एम अली, एम मनवानी। इसके अलावा यहाँ से नीचे से बात करें तो एच माए, ठीक है, ये चारों प्लेयर मैंने अपनी टीम में ट्राई किया, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से भाई टी सिंह को ट्राई किया, बी सिंह को ट्राई किया, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें तो एच सिंह जूनियर को मैंने एच सिंह को ट्राई किया, एच सिंह जूनियर को नहीं किया, ठीक है। तो ये भाई मेरी मतलब टीम रहने वाली है, और जो फाइनल टीम है ना वो आपको मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आफ्टर टॉस, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये भाई हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात और कर लेते हैं। कैप्टन भाई मैंने ऊपर से कुलदीप लाल को बनाया, और एम सिंह भाई हमारे वाइस कैप्टन होने वाले, ठीक है। अगर आप सेफ जाना चाहो तो आप एम अली के साथ जा सकते हो, बाकी भाई मैं ऐसे एम सिंह को बना रहा हूँ जो काफी अच्छे रिकॉर्ड और स्टैट्स रखता है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको टीम का प्रीव्यू दे देता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार
की हमारी टीम होने वाली है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस टीम के साथ मैं जाने वाला हूँ, आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, साथ ही एक दो प्लेयर अगर आप चेंज करने चाहो किसी की भी जगह पर तो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो भाई मैं बना रहा हूँ तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो, क्योंकि वीडियो में आपको ऐसे ऐसी प्लेयर्स के बारे में बातें बताता हूँ जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलती, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब नॉलेज देता हूँ आपको वीडियो में, तो वीडियो कंप्लीट देख लिया करो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, मैंने आपको क्लियरली बता रखा है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।